कोई इतना बायस्ड कैसे हो सकता है, इतने सारे पॉइंट्स को कोई कैसे मिस कर सकता है, नहीं मुझे बता दो, मुझे जानना है। वीकेंड के वार से बहुत एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं रही है। सलमान साहब पता नहीं क्यों इस तरीके से अब शमिता शेट्टी के हाथों की कठपुतली बनते हुए नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों शमिता शेट्टी को इतने प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। अगर इतने ही प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो दिवाली के इस पवित्र मौके पर शमिता जी को ट्रॉफी दे दो, खाली मत खींचो ये सीजन यार। शमिता शेट्टी कोई हर एक बात पर ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है जैसे कि मतलब कि बंदी का कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दोस्तों वीकेंड के वार को देखने के बाद दिल में है ना, सच कह रहा हूं, एक इस तरीके का क्रोध है, एक इस तरीके की निराशा है कि मैं आप लोगों के सामने इस रिव्यू में बयान करूंगा। और ये भड़ास वाला रिव्यू है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भड़ास वाला रिव्यू होगा। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, वैसे मुझे तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि जब से ये जो बायसनेस और ये जो सारी चीजें देखने को मिली है अभी अब बिल्कुल भी नहीं रही है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि सिम्बा वाले मैटर को प्रॉपर तरीके से इग्नोर किया जाएगा। मुझे तो ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि विशाल के उस मैटर को उठाया जाएगा जो कि हिना खान का इतना पुराना मैटर है, और प्लस उसे उस बात के लिए सुनाया जाएगा। मतलब लाइक सीरियसली, जो अच्छा खेल रहे हैं उनको आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो लोग नॉर्मल खेल रहे हैं, मीडियोकर खेल रहे हैं, उनको आप और भी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? क्या वो एक्स्ट्रा पैसे दे, अगर ऐसे ही है वो अगर एक्स्ट्रा पैसे देकर आए तो ठीक है ना यार, उनको ट्रॉफी दो, आप खत्म करो यार, नहीं देखना हमको ये ऐसा बायस शो। मतलब आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि आज का मेरा रिव्यू जो है ना, मैं सच कह रहा हूं बहुत होसेल वाला रिव्यू है, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसे बोले गए हैं लाइक सीरियसली। यहां पर शमिता शेट्टी को नहीं बोला जाता, जय भानुशाली को कुछ नहीं बोला जाता, अपने क्या कहते हैं ये इनको बचाया जाता है दोस्तों चीजों को लेकर, राइट, ये सिम्बा को बचाया जाता है। क्यों? वैसे तो अपने वीकेंड के बारे में सलमान साहब के ऑलरेडी इन्वॉल्व जो इन्फॉर्मेशन थी वो पता लगी गई थी मुझे, मुझे पता चली गया था कि आखिरकार क्या होने वाला है। बट ये जो वीकेंड का वार दिखाना, ये सचमुच में थर्ड क्लास था। सलमान साहब क्या हो गया है, थोड़ा सा जस्टिस कीजिए। अगर आपको सबके पॉइंट्स दिखाई देते हैं तो क्यों आपने शमिता शेट्टी का टॉपिक इग्नोर किया जब उसने देवलीना की बदतमीजी करी, के साथ बदतमीजी करी, और क्यों विशाल को बार बार रोज, मतलब जो बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, जो बंदा इतना ज्यादा सेंसिबल खेल रहा है, उसको आप नीचे गिराने में है, उसको आप जो है चीजें ये बोलने में है कि भैया ये तो अब शो में आगे ही नहीं जा सकता। एक बार फिर से विशाल के ऊपर गर्जे हैं, एक बार फिर से उमर की बातों को इग्नोर किया है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों वीकेंड के वार पे हम लोग जो है वेट कर रहे थे, सलमान साहेब आएंगे, सलमान साहब आके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं हुआ है। नेहा भसीन आई है, वो लिटरली एक एक एजेंडे के साथ आई है यहाँ पर दोस्तों, कि जो भी हो जाए प्रतीक की बातों में मैं नहीं आऊंगी। और देखो यार, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है प्रतीक की बातों को लेकर, लेकिन यहां पर जो उसने भी, अब नेहा वो प्रतीक की खास दोस्त है, वो ये बात कह रही है कि प्रतीक के फैंस जो है वो इस तरीके के टॉक्सिक है, वो उसने बोला है, उसका पोस्ट है यार, मेरे अपने, मैं अपने मन घड़न बातें थोड़ी ना बोलता हूं, कोई पोस्ट पड़ा है उसका, उसका पोस्ट प्रॉपर इंस्टाग्राम पे इन्वॉल्वड है। अगर एक सेकेंड ना, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा ना, मैं आपको अभी अभी आपके सामने ही दिखाता हूं, बिकॉज वो है। और उस चीज को लेकर मेरे को ये प्रतीक फैंस इतने टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई मैंने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा। अब जो वो कर रही है, जो वो बोल रही है, देखो ये, देखो ये उसने है ना, सी ये उसने प्रॉपर पोस्ट डाला है, ये नेहा भसीन आप लोग चेक कर लीजिए, ये प्रॉपर पोस्ट डाला है उसने, प्रतीक के पैटर्न के बारे में बोला है कि वो सेम तरीके की चीजें करता है। अब भाई करता है तो अभी, अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बताओ तो जरा, जब वो कर रहा है तो कर रहा है, उसको अब ये बातें हम रख रहे हैं तो उसको तुम लोन वॉरियर ये वो ऐसा कर रहे हो, नहीं वो उसका गेम है, समझो। खैर छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो बाद में है। लेकिन नेहा और राकेश की एंट्री होती है, अगेन यहाँ पे शमिता जी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि शी इज फीलिंग अलोन, शी इज फीलिंग आइसोलेटेड, शी इज फीलिंग दैट, अरे भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई बन गया है, अक्का अन्ना वाला सिचुएशन हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा राखी ब्रदर को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे होने वाले बॉयफ्रेंड को बुलाया जा रहा है जो आते ही तुम्हें किसेस कर रहा है, तुम्हारी खास दोस्त को बुलाया जा रहा है, सरचुंडी यानी कि नेहा को बुलाया जा रहा है, तो और क्या चाहिए तुमको?
वीकेंड के बार पे तुम्हें जो है सलमान साहब अप्रिशिएट कर, मतलब सलमान साहब आपको आपके पॉइंट को उठा तक नहीं रहे जो कि आपने देवल, जबकि आपकी गलती थी। मैंने इस पे बता दिया था, देवलीना ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया था शमिता शेट्टी को कि शमिता शेट्टी ने बोला है, उसने अफसाना खान को घटिया औरत बोला है। तो भाई ऐसे में अफसानों को क्यों डांट पिटती है, क्यों यहाँ पर शमिता को बचाया जाता है? साफ तौर पे है यार ये, अगर आपको जिताना है तो ठीक है, दिव्या अग्रवाल के टाइम पे तो दिव्या जीत गई राइट किसी तरीके से, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सीधे तौर पे साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि जीतेगी कौन, शमिता शेट्टी। ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो, अपन लोग सिर्फ और सिर्फ मुख दर्शक बनकर रह जाते हैं। करण कुंद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो करण भाई का अगर अपसेट हो रहे हैं वो तो अपसेट होने की वजह है, विशाल अगर इस बात से अपसेट हो रहे हैं तो अपसेट होने की वजह है, और वजह सिर्फ एक है कि क्यों शमिता शेट्टी के ही इर्द गिर्द सारी चीजें रिवॉल्व्ड है। और ये हमको ही नहीं घर वालों को भी पता चल गया, जय भी तो यही बात करते हुए नजर आया कि अब जो आएगा कोई ये शमिता शेट्टी के परिवार वालों को ही लेकर आओ, उसके आस पड़ोस के चार पांच लोगों को ही और लेकर आओ, क्योंकि पूरा इर्द गिर्द उसी के ही गेम है। बताओ राजीव को डालने का क्या एजेंडा था, यही एजेंडा है। राकेश को डालने का क्या एजेंडा है, यही एजेंडा है। नेहा को डालने का यही एजेंडा है, तो अब क्या करें। नेहा ने आते ही प्रतीक अगेन शमिता को सबकी बात बता दी कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। अगर दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती तो पता चलता ना कि कौन क्या किससे है। ये तो पूरा एक तरफ का है कि शमिता को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं कैसा खेल रही हूँ, सबसे तू बेस्ट खेल रही है, ये क्या कहते हैं करण कैसा खेल रहा है, ये डबल ढोलकी है, करण फेस पे नहीं बोलता, निशांत नहीं है ऐसा, प्रतीक नहीं है, ये ऐसा वो ऐसा, ये सारी चीजें। खैर ये तो आप, अब मैं क्या ही बोलूं, आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से गेम बायस्ड हो गया है पूरी तरीके से। हम कितना भी सोशल मीडिया पे बोल लें, हम कितना भी अपना रिव्यू दे लें, इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब जनता सबक सिखाएगी, यानी कि आप लोग। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आप इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर प्रतीक ने हक करने की कोशिश करी, अगेन हमने देखा प्रोमो में दिखाया था कि अलग करती है नेहा, बट प्रतीक जो है अगेन प्रतीक को चेपड़ या सेम गेम या चीप है, चीजी है, ये सारी बात बोलते हुए नजर आती है। देखो नेहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेहा इस वजह से बहुत अपसेट है क्योंकि प्रतीक फैंस ने सोशल मीडिया पे नेहा का जीना हराम कर दिया है। प्रतीक की खुद की फैमिली तक सोशल मीडिया में, स्पेशली दीदी जो है प्रतीक की, प्रेरणा दीदी, उनकी तरफ से भी कुछ कुछ रिएक्शंस आए थे, और प्लस नेहा इस बात से अपसेट है। उसने बोला कि बींग अ वुमेन मैंने ये सब सहा है, प्रतीक तुमको तो क्या करें, तुमने तो कुछ नहीं सहा है, मैंने सहा है। ऑफकोर्स नेहा की देखो ना, वो वीडियोज कैसी वायरल हुई है नेहा की, आप समझ रहे हैं, तो उसमें नेहा के कैरेक्टर पे ज्यादा आया है, तो नेहा को फर्क तो पड़ता है, और नेहा को वही गुस्सा है, वही चीजें हैं नेहा की। तो ये सिंपल सी बात है, ये सारी बातें हैं, और यहाँ पर अभी नेहा भी क्या करेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, गेम इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो प्रतीक के साथ मिलकर अगेन वो जो ओटीटी का तमाशा था, जो गहरी दोस्ती थी, वो जब एकदम बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग चीजें होती थी, वो देखने को मिलता है, या फिर नेहा यहाँ पे एक क्लीन गेम खेलती है। वैसे नेहा यहाँ पर अपनी इमेज को सुधार सकती है, इतना मैं 101% कहता हूँ। राकेश थोड़ा सा स्मार्ट बनकर आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि राकेश अगर आए हैं तो इस बार कुछ करके जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि प्रतीक तेरा मेरा ऐसे ट्रबुलेंट फ्लाइट रही थी, ऐसा नहीं, अभी अपन कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ शमिता एम्पावर होगी बल्कि ये लोग भी आगे तक जाएंगे ही जाएंगे। नेहा ज्यादा नहीं जाएगी, राकेश को आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ओटीटी में ही जब वो इस तरीके से टॉप 5 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आए थे, तो यहाँ पे तो वो अलग बात है, जबकि और भी लोग जो है डिजर्विंग वन थे जो कि टॉप 5 में आ सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग राकेश और शमिता की लव स्टोरी को घर में पनपते हुए देखना चाहते हैं। अब सलमान साहब आते हैं, कॉलर आते हैं राइट, वो कॉलर एक एक करके सबसे बोलते हैं। मुझे इतना बुरा लगा विशाल के लिए, विशाल को देबुलीना और हिना की बात के लिए बोला गया, क्यों यहां पर शमिता शेट्टी को नहीं बोला गया, एक कॉल उनके लिए नहीं था भाई, क्या किस लिए? चलो करण भाई के लिए था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि करण का गेम सचमुच में डाउन हुआ है पिछले 3 हफ्तों से या 2 हफ्तों से, जो भी चल रहा है, बहुत ही वो जो फर्स्ट पोजीशन थी उन्होंने गवा दी है। उमर रियाज के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा, क्यों? उमर रियाज सिम्बा का वो मैटर क्या आपके लिए छोटा था? ये तो वही हो गया, आसिम सिद्धार्थ वाली बात हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया था उस टाइम पे भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला गया, विच मीन्स सिम्बा को एनकरेजमेंट मिलेगा, विच मीन्स उमर को और धक्के मिलेंगे। जी हाँ, उमर को और धक्के मिलेंगे, उसको और बेइज्जती मिलेगी। तो यहां पर ओटीटी में तो आपने तुरंत जो है जीशान, जो इतना अच्छा खेल रहा था, जो कि प्रतीक के अगेंस्ट एक पूरा एजेंडा था उसका, हम सबको पता है, वो पूरी कांटे की टक्कर दे रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग इंटरनल डिसाइडेड एंड एवरीथिंग, जीशान को निकाल दिया बेचारे को।
यहाँ पे क्यों नहीं निकाला सिम्बा को, सिम्बा को वार्निंग तक नहीं दी गई है बिग बॉस की, आप समझ रहे हैं आप? सो अब ये जनता का शो तो बिल्कुल भी नहीं है, ये शो सिर्फ और सिर्फ रह गया है मेकर्स का शो, स्पॉन्सर्ड का शो, कलर्स के जो फेस हैं ये उनका शो रह गया है। एंड नो वंडर कल को अगर कोई इनमें से एक ट्रॉफी जीते जो डिजर्विंग वन नहीं है। सिम्बा के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है बंदा अच्छा है, खुल रहा है, खेल रहा है, बट उसकी उसकी गलतियां उसको बताओ तो सही, वो तो और करेगा, फिर क्या होगा? या तो आप वेट कर रहे हो उसके फूटने का, जैसे वो फूटेगा और फूटेगा और फूटेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसको निकालोगे। लेकिन वही है ना कि जब कोई इंसान पहली बार गलती कर रहा है, अगर उसको उस वक्त बता दिया जाए, उसको समझा दिया जाए कि भाई तू स्टॉप कर दे, तो स्टॉप होना भी चाहिए। खैर ये गेम है, लेट्स सी कहां तक जाते हैं। भाग्यश्री जी वाला वो जो आया था वो तो ठीक था, हाँ, और रणवीर सिंह वाला भी ठीक था, वो जो पूरा चंक दिखाया था। हाँ उसके बाद घर में दुश्मनी का आलम शुरू हो गया अगेन। उमर बिचारे को बोलने का मौका, वो बोल रहा है मैं बोलूं, अरे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं उसको, एकदम से साइडलाइन, एकदम से उसको किनारे दरकिनार कि भाई तू कोई भी है, तू चल किनारे हट। अगर ऐसी ही बेइज्जती करानी थी तो क्यों लाए उमर को, क्यों? आप बोल दीजिए ना, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दीजिए कि आपको पैसे उतने ही मिलेंगे, बट द थिंग इज कि हम लोग जो हैं शो में इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई हैं वीकेंड के बार की जो मुझे मुझे तो सच में कह रहा हूं मैं इतना फेडअप हो गया ना एपिसोड देख के, बहुत लग रहा था कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं हुआ, ऐसा फेडअप, पूरा फेडअप। आपका रिएक्शन जरूर बताइएगा। और तेजस्वी और करण की मैं बात करूं तो इनका अच्छा जा रहा है सिनेरियो, अच्छा ही खिलेगा इनका गुल, ऐसे लगती है चीजें। और अभी तो एक स्प्लिट्स वाला बन गया है जहाँ पे ईशान महेशा आ गए, राकेश शमिता आ गए, प्रतीक नेहा कह सकते हैं जोड़ी, राइट एक तरीके से, और प्लस ये अपना। सो यस, कमेंट करो, बताओ मुझे, बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHUL BHOJ राहुल भोज। कोई शिकायत करनी है, कोई पॉइंट्स देने हैं, सजेशन देना है, या किसी तरीके की तारीफ, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, राइट? और बस यार बातें पहुँचाओ बस, अब सोशल मीडिया पे ना मेरी अगर क्लिप्स को अगर आप काट के जो इम्पोर्टेंट आपको लगे पॉइंट पहुँचाओ, क्योंकि पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।